पद्मावत फिल्मों का विरोध कर चर्चा में आए भाजपा नेता सूरजपाल अम्मू ने इनेलो पार्टी से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी है। विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर सूरजपाल अम्मू इनेलो नेता अभय चौटाला की मूकत कंठ से प्रशंसा करते नजर आते हैं। ऐसा ही भिवानी के बहल स्थित शैक्षणिक संस्थान में राह ग्रुप द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में देखने को मिला, जब सूरजपाल अम्मू ने अभय चौटाला की इस बात को लेकर प्रशंसा की कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं तथा उनके द्वारा चलाया जा रहा हरियाणा ओलंपिक संघ बेहतर तरीके से काम कर रहा है, जबकि अन्य खेल संस्थाएं मात्र कागजों में काम कर रही हैं। सूरजपाल अम्मू ने कहा कि वे खुद भी खेल संघों से जुड़े हैं। अभय चौटाला द्वारा खेल को प्रोत्साहन देते हुए उन्होंने खुद देखा है। जब इस मामले में पत्रकारों ने सूरजपाल अम्मू से इनेलो से नजदीकियों के बारे में जानना चाहा, तो सूरजपाल अम्मू ने कहा कि वे खुलकर बोलने वाले व्यक्ति हैं तथा व्यक्ति खेलों को लेकर काम करता है, वे उसकी प्रशंसा करते हैं। मैं अभय चौटाला के लिए दो ही बातें कहना चाहूंगा। वो जमीन पर जुड़कर काम करते हैं, परंतु जो और संघ हैं वो सिर्फ कागजों में चलते हैं। अनिल विज साहब की मैं इसलिए प्रशंसा करता हूं कि जिस प्रकार से करोड़ करोड़ रुपए के इनामी दंगल, इनामी कुश्तियां जिस प्रकार से हरियाणा में पिछले 3 सालों से लगातार हो रही हैं, ये ऐसा कार्य है जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देता है। और मैं खेल संघों से जुड़ा हुआ, आज मैं नेशनल चैंपियनशिप फुटबॉल की कराने जा रहा हूँ। मैंने पिछली बार नेशनल जिम्नास्टिक की चैंपियनशिप कराई। हमारे बच्चे जिम्नास्टिक के, जब जिम्नास्टिक में 53 गोल्ड मेडल है ओलंपिक के अंदर, पहले हरियाणा जिम्नास्टिक का नाम लेने वाले थे कागजों में, हम लोगों ने धरातल पर लाकर हमने जमीन पर काम करने का प्रयास किया और विश्व में हमारे जिम्नास्टिक के खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं, तो हमारे लिए गौरव की बात है। चौटाला के प्रति ये प्रेम कहीं भाजपा के से दूर के? मैं खेलों में राजनीति को कभी भी न जोड़ता हूँ न जोड़ूंगा। सच्ची बात कहने के लिए सूरजपाल अम्मू जाना जाता है, और सच्ची बात कहने के लिए अगर मुझे सोनिया गांधी का भी नाम लेना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हरियाणा सरकार के खेल मंत्री अनिल विज और हरियाणा ओलंपिक संघ से जुड़े हुए भारतीय ओलंपिक संघ से सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, परंतु अभय चौटाला हुए, विज साहब हुए, ऐसे लोगों का मैं ऐसे सम्मान देता हूँ कि उन्होंने हमारी संस्थाओं का सहयोग किया, हमको आगे बढ़ाने में उनका सहयोग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जिस प्रकार से भारतीय फुटबॉल संघ ने हमारे को अंडर 14 चैंपियनशिप के लिए अगस्त 2018 के अंदर अंडर 14 की जो नेशनल चैंपियनशिप है फुटबॉल की, उन्होंने हमें कहा है कि आप करो, और मैं गौरवान्वित हूँ कि अभी ये हमारे को नेशनल चैंपियनशिप हमें मिल चुकी है।